कई बार ट्रेडर्स को रोल ओवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रोल ओवर्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, एंड एंड में हम ये भी जानेंगे कि रोल ओवर्स के टाइम पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वारसिटी वीडियोस। रोल ओवर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तीन एक्सपायरीज होती हैं, करंट मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट मंथ अगस्त है तो मिड मंथ सितंबर होगा, तो वहीं अक्टूबर फार मंथ होगा। ट्रेडर्स अक्सर करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं बिकॉज करंट मंथ में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और मंथली एक्सपायरी हर महीने के आखिरी थर्सडे को होती है। अब बात करते हैं कि रोल ओवर्स क्या होते हैं। मानकर चलते हैं कि मैं निफ्टी का एक लॉट खरीदती हूँ एट द प्राइस ऑफ 19,590, वो भी करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में, विच इज अगस्त, और एक लॉट खरीदने के लिए लगभग मार्जिन लगता है 1,11,000 का। अब मैं निफ्टी पर लॉन्ग इसलिए हूँ बिकॉज मुझे आने वाले टाइम में निफ्टी और भी ऊपर जाती हुई दिख रही है, पर ये इस एग्जाम्पल की बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी हमारी मनचाही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है एंड जैसे जैसे वो मूव कर रहा है अगस्त मंथ की एक्सपायरी आ जाती है। इसका मतलब ये है दैट अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एंड ऐसे केस में मैं अपनी लॉन्ग की हुई निफ्टी की पोजिशन को होल्ड नहीं कर सकती। मैंने जब 19,590 पे निफ्टी लॉन्ग किया था तो मेरा टारगेट था 19,990 का, लेकिन अगस्त के एंड में निफ्टी अभी सिर्फ 19,700 पर ही है। तो ऐसे टाइम पर हम अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन को क्लोज कर दूंगी, यानी कि सेल कर दूंगी, एंड सेम क्वांटिटी एंड सेम स्टॉक या फिर इंडेक्स में नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसे बाय करूंगी एंड इसे हम रोल ओवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट मंथ में मैं निफ्टी पर लॉन्ग हूँ तो नेक्स्ट मंथ में भी मुझे निफ्टी पर ही लॉन्ग होना है। मैं किसी भी और इंडेक्स में लॉन्ग नहीं हो सकती, जैसे कि बैंक निफ्टी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम उसे रोल ओवर नहीं कहेंगे। आपको रोल ओवर कब करना चाहिए उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कई ट्रेडर्स एक्सपायरी वाले दिन रोल ओवर करते हैं, तो कई एक्सपायरी से एक दिन पहले। लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी अवॉइड करनी है तो एक्सपायरी से एक दिन पहले रोल ओवर करना एक बेटर आइडिया होगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है तो फिर हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर मिड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ही लॉन्ग पोजीशन क्यों नहीं होल्ड करते, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पहले रोल ओवर की कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि करंट मंथ की कॉस्ट हमेशा ही मिड मंथ की कॉस्ट या फिर उसके मार्जिन से कम होती है। जैसे कि अगस्त मंथ के केस में हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट थी 1,11,000 की, लेकिन सितंबर मंथ के केस में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है टू 1,12,000। अब सितंबर मंथ का मार्जिन अगस्त मंथ के मार्जिन से ज़्यादा इसलिए है बिकॉज सितंबर मंथ के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा पर ट्रेड कर रही है एज कम्पेयर टू अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में हायर वैल्यू पर क्यों ट्रेड कर रहा है, हालांकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू एक ही चीज़ से डिराइव होती है, दैट इज निफ्टी। उसको समझने के लिए आपको फ्यूचर्स प्राइसिंग के बारे में समझना पड़ेगा, जो आप वारसिटी की वेबसाइट पर जाकर इस मॉड्यूल में समझ सकते हैं। और बेशक आप एक ही लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, लेकिन मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमेशा ही करंट मंथ से ज़्यादा होगी एंड फार मंथ की मिड मंथ से भी ज़्यादा होगी। अब हम समझते हैं कि रोल ओवर के टाइम पर आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आती है एवरेजिंग। जब भी आप रोल ओवर करते हैं तो आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि और स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में और यूनिट्स बाय नहीं करने चाहिए। और तो और, कई बार ट्रेडर्स अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन में अक्सर एवरेजिंग करते हैं ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सकें। रोल ओवर्स के केस में ऐसा करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा ये कि कई बार ट्रेडर्स अपने करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन को क्लोज तो कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में उसी पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए बहुत दिन लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रोल ओवर कर रहे हैं तो दोनों ही ट्रांजैक्शन, दैट इज क्लोजिंग द ट्रांजैक्शन इन द करंट मंथ एंड इनिशिएटिंग दैट सेम ट्रांजैक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, ये साइमल्टेनियसली ही होना चाहिए।
एंड तीसरा ये कि रोल ओवर्स का कॉन्सेप्ट फ्यूचर्स के केस में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है एज कम्पेयर टू ऑप्शंस. ऐसा इसलिए बिकॉज ऑप्शंस के केस में फैक्टर्स लाइक थीटा एंड बेगा ये भी उसके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग.